हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सीरीज। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत आसान सा दिखने वाला इंटीग्रल, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे इन्हें करना है, क्या इसकी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, चलिए देखते हैं। एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर 1/3, इसी तरह से ये पैटर्न चेंज हो सकता है। एक्स पावर 1/2, 1/5, मतलब दो नंबर्स होंगे फ्रैक्शंस में और इन्हें इंटीग्रेट करना है। तो इनकी इसकी ट्रिक क्या होती है करना है, दोनों का डिनोमिनेटर है 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। तो अब आपको 6 मिल गया, इसी तरह से जैसे यहाँ पे 2 और 5 है तो यहाँ पे आपको 10 मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले स्टेप में ये जो नंबर है उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है, आ रहा है 6 आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करना है t^6। अगर एलसीएम आया होता 4 तो हम लोग x की जगह सपोज करते t^4। डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dx क्या होगा ये पता चल जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में इतना। dx को इधर ले आइए तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 6t^5 dt। अब हम लोग अपने इंटीग्रल में से रख देते हैं तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 6t^5 dt। बाउंड x हमने मान लिया है t^6, तो ये आ जाएगा t^6 ½ + t^6 1/3। फिर ये कैंसिल होगा और आपको मिल जाएगा 6 आउट ऑफ द इंटीग्रल t^5 dt अपॉन t³ + t^2। इसमें से हम लोग t² कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो जब हमने t² कॉमन लिया और कैंसिल किया तो हमें कुछ ऐसा मिला। अब ये कौन सा पैटर्न है, ये पैटर्न है कि ऊपर पावर रहती है और नीचे कुछ t+1 या ऐसा कुछ होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है और ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर के जैसे न्यूमरेटर को बनाना होता है। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इंटीग्रेशन में, इस तरह का भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इन्हें इनमें क्या करना होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसे बना देते हैं ताकि वो डिनोमिनेटर कट जाए। तो अब हम लोग 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अभी टेकिंग सेपरेटली तो t³ + 1/(t+1 − 1)/(t+1), हमने इन्हें अलग अलग ले लिया है। अब हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे a³ + b³ से, तो ये आ जाएगा a+b (a²) - ab + b²। इस कैंसिलेशन के बाद हमें जो दो टर्म्स मिलेंगी वो ऑब्वियसली इंटीग्रेबल होंगी और हम इन्हें आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं i = 6 t²- t+1 − ∫1/(t+1 dt। तो कर लेते हैं t² का इंटीग्रेशन t³/3 − t का इंटीग्रेशन t²/2 + 1 का इंटीग्रेशन t और इसका इंटीग्रेशन log|t+1+c। और अब हम लोग इसे 6 को अंदर भेज देंगे और t की वैल्यू पुट कर देंगे। t हमारा था x^1/6, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 2 x^1/2 यानी कि √x, ठीक है। 6 नीचे जाएगा, 3 ऊपर। और इसी तरह से हम लोग सभी t की जगह x की वैल्यू रख देंगे। t की जगह था x^1/6, इसी तरह से t की जगह हो जाएगा x^1/6 log t का मतलब x^1/6 + 1+c। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा हम लोग। यानी कि बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट या ट्रिक है इसे करने की। जैसे ही हम उस कंसेप्ट को समझते हैं, सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग उस फॉर्म में पहुंच जाते हैं जिसका हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस पैटर्न के आई होप अब आप लोग कोई भी क्वेश्चंस कर लोगे। जैसे कि हमने 1/2 और 1/3 का पेयर लिया है, वैसे 4 और 5 का भी हो सकता है, कोई भी नंबर्स का पेयर हो सकता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, NCERT में भी इसके कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।